Hello students, how are you? I hope you all are well and doing your work very well. Today we start our day with prayer. So join your hands. Start. Thank you God for words so sweet. Thank you God for food we eat. Thank you God for birds that sing. Thank you God for everything. Guru तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः ॐ शांति 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 Now, in this video, we will going to coloring, art and craft and color book. Art and craft में आज हम activity करेंगे and color book यानी color में जो book का नाम है उसमें हम color करेंगे. So, we start. Art and creativity. ये हमारी बुक्स है ये और इसमें जो मटेरियल दिया है वो इस कवर में मैंने रखा है उसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं सो मैं नहीं निकालूंगी प्रीवियस वीडियो में हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट के 2 लेक्चर हो गए हैं पेज नंबर 3 हो गया है देखो यहाँ पे बलून में कलर कर दिया है हमने और उसके पीछे वाला पेज पेज नंबर 4 यहाँ पे शेप्स में हमने कलर किए थे नेक्स्ट पिक्चर हमारा कलर है बट अब हम कलर नहीं करेंगे 2 पेज स्किप कर देंगे 1 2 ये 1 एंड ये 2 2 पेज हमें स्किप करना है पेज नंबर 8 पेज नंबर 8 करना है थंब इम्प्रेशन देखो यहाँ पे ये पेज आपको अभी निकालना है मेरे साथ आप मेरे साथ ही कलर करोगे आगे के 2 पेज हमने जो स्किप किए हैं वो सिलेबस में है लेकिन कलर कलर है तो अभी हम थोड़ा बोर हो जाएंगे तो आज हम कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं ताकि हम बोर ना हो जाए वो बाद में करेंगे आगे वाले 2 पेज है वो हम बाद में करेंगे आज हम ये एक्टिविटीज़ करेंगे देखो यहाँ पे ये बॉय है और यहाँ पे एक टैडी है लुक लाइक डोरेमोन देखो थंब इम्प्रेशन थंब यानी ये अंगूठा हमारा अंगूठा इम्प्रेशन यानी छाप डिप योर थंब इन ऑरेंज वाटर कलर एंड मेक इम्प्रेशन ऑन द फेस ऑफ हम्प्टी डम्प्टी ये हम्प्टी डम्प्टी का पिक्चर है तो उसके फेस पे हमें अपने थंब से कलर करना है इम्प्रेशन छोड़ना है
कलर हमें क्रेयन्स नहीं लेना है, स्केच पेन नहीं लेना है, पेंसिल कलर नहीं लेना है, हमें ऐसे वाटर कलर, मेरे पास ये है, आपके पास कोई भी कलर हो पर वाटर कलर चाहिए। देखो मेरे पास ये है, ऐसे कलर है, उसमें ये ऑरेंज कलर है, मैंने ये कलर लिया है, आपको भी ऐसा ऑरेंज कलर लेना है, देख लो, वाटर कलर लेना है, आपके पास जो भी हो वो आप ले सकते हो, मेरे पास ये है तो मैंने ये लिया है, इसमें क्रेयॉन कलर नहीं चलेंगे, वाटर कलर यानी जो पानी से बनता है, कलर होता है, थोड़ा कलर लेना है फिर थोड़ा पानी ऐड करना है यानी वाटर कलर, इसमें हम ऑरेंज कलर ये रहा इसको यूज़ करेंगे। अगर आपके पास ऑरेंज कलर नहीं है, वाटर कलर में ऑरेंज कलर नहीं है, तो आप रेड और उसमें थोड़ा सा वाइट कलर ऐड करके ऑरेंज कलर बना सकते हैं, या फिर येलो, येलो कलर से भी ऑरेंज कलर बनता है, रेड और येलो मिक्स करोगे तो आपका ऑरेंज कलर रेडी हो जाएगा, वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में जो कलर आइडेंटिफाई सिखाया था उसमें आपको बताया है कि कैसे कैसे कलर मैच करने से कौन सा कलर बनता है। देखो मैंने यहाँ पे कलर रेडी करके रखा है, ये ऑरेंज कलर लिया है और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके कर दिया है, देखो ऐसी थिकनेस होनी चाहिए, बहुत पतला नहीं होना चाहिए। अब मैं मेरा थंब देखो इसमें ऐसे डिप करूँगी, आपको ऐसे डिप करना है, देखो देखो मैंने ऐसे थंब पे कलर कर दिया है, आप एक बार डिप करोगे तो दो तीन बार आपका इम्प्रेशन हो जाएगा, आपको ऐसे पूरे फेस पे ऐसे थंब को प्रेस करना है, देखो लाइक थोड़ा लाइट डार्क कलर चलेगा। आपको आहिस्ता आहिस्ता करना है, आप मम्मी या पापा दोनों की हेल्प ले सकते हो, क्योंकि खुद से करने जाओगे तो पूरा पेज बिगड़ जाएगा। इसकी आइस को हमें छोड़ देना है, बाकी यहाँ पे सब पे यहाँ पे ऐसे हमें थंब इम्प्रेशन करना है। मेरा थंब तो बड़ा है तो इम्प्रेशन बड़ी बड़ी हो रही है, आपका तो छोटा छोटा होगा तो अच्छे से इम्प्रेशन होगी। बस पूरे फेस पे ऐसे कर देना है आपको और अच्छे से करना है। देखो यहाँ पे मेरा वर्क फिनिश हुआ, आपको भी ऐसे ही अच्छे से करना है और मम्मी से पेंसिल से यहाँ पे स्टार करना है, स्टार लेना है, पर आपको अच्छे से ध्यान से करना है। आर्ट एंड क्राफ्ट में हमारा पेज नंबर 8 जो एक्टिविटी था वो फिनिश हुआ, अब हम कलर बुक्स में नेक्स्ट पेज लेंगे। कलर मी बुक का नाम है कलर मी, इसमें भी हमारे 2 पेज हो गए हैं, अब हम नेक्स्ट पेज लेंगे। पेज नंबर 4 एंड पेज नंबर 5
दोनों में शेप्स है, यानी स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल्स, जो आर्ट एंड क्राफ्ट में हमारा ये फिनिश हो गया है। सेम ऐसा ही था वर्क, तो कलर बुक में भी हम ले लेते हैं। ये हमारा होमवर्क है, तो मैं यहाँ पे HW होमवर्क यहाँ पे भी HW होमवर्क। इसमें हमें वाटर कलर यूज़ नहीं करने हैं, इसमें हमें क्रेयॉन या फिर पेंसिल कलर, स्केच पेन भी हमें यूज़ नहीं करना है। ये रहा हमारा क्रेयॉन, अब आपको तो कलर आइडेंटिफाई हो ही गया होगा, तो बच्चों ये बताओ ये कौन सा कलर है? यस, पर्पल। देन ये ब्लू, नेक्स्ट पिंक, लास्ट यस लाइट ग्रीन। कौन सा कलर है? लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू यानी पैरट कलर। स्क्वायर एंड सर्कल, यानी इस पेज पे हमारा स्क्वायर है एंड सर्कल है। ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल, यानी ट्रायंगल है और यहाँ पे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है। दीज आर सम बेसिक शेप्स, कलर द शेप्स ब्यूटिफुली। हमें अच्छे से इसमें कलर करना है, तो पहले हम स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर में पर्पल कलर है, पर्पल। हमें पहले यहाँ पे ऐसे बॉर्डर बना देनी है ताकि हमारा कलर बाहर ना चला जाए। अब हमें यहाँ पे बीच बीच में कलर करना है। स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, सर्कल, ऐसे बोलते जाओ ताकि आपको पैटर्न भी याद हो जाए। हमारा दो काम हो जाएगा, एक कलर एंड एक पैटर्न, है ना? देखो मैं कैसे आहिस्ता आहिस्ता कर रही हूँ ताकि मेरा कलर बाहर ना चला जाए, तो आपको भी बिल्कुल वैसे ही करना है ना? अभी मैं क्या बना रही हूँ? स्लिपिंग लाइन। अब मैं स्टैंडिंग लाइन करूँगी। देखो यहाँ पे ऐसे करते करते हमारा स्क्वायर फिनिश हो जाएगा। देखो मेरा स्क्वायर फिनिश हुआ। अब आप ऐसे ही अपने स्क्वायर बनाना, अच्छे से कलर करना। अब मैं ये ब्लू कलर लूँगी। ये कौन सा ब्लू कलर है? स्काई ब्लू। ये रंग जैसे स्क्वायर में हमने बॉर्डर की थी, वैसे ही सर्कल में भी हमें बॉर्डर करना है। अब यहाँ पे बीच बीच में कलर करना है।
देखो ब्लू कलर भी फिनिश हुआ। अब हम नेक्स्ट पेज यानी पेज नंबर 5, यहाँ पे हमारे दो शेप है ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल, यहाँ पे पिंक कलर एंड यहाँ पे ग्रीन कलर। सो उसी सिस्टम को हमें फॉलो करना है, बॉर्डर पहले बना देनी है ऐसे, फिर बीच बीच में कलर करना है। ये रहा पिंक कलर, इसी कलर का मैं यूज करूंगी यहाँ पे ट्राइंगल बनाने के लिए। देखो ट्राइंगल भी हमारा फिनिश हुआ। अब लास्ट यानी रेक्टेंगल लाइट ग्रीन, ये रहा लाइट ग्रीन, ये रहा डार्क ग्रीन। हमें डार्क नहीं लेना है, हमें ये लाइट लेना है। देखो यहाँ पे ये शेप वाला कॉन्सेप्ट हमारा ख़त्म हुआ, जो हमने आर्ट एंड क्राफ्ट में भी प्रीवियस लेक्चर में किया है, और यहाँ पे भी स्क्वायर सर्कल ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। आपको इसी तरह ब्यूटीफुली कलर करना है अपनी बुक में। सो आज का आपका वर्क है कलर बुक में पेज नंबर 4 एंड पेज नंबर 5 एंड आर्ट एंड क्राफ्ट में वो थंब वाला यानी पेज नंबर 8, ये रहा। तो आपको 3 पेज होमवर्क आपको करना है। सो आज का हमारा क्रिएटिविटी का लेक्चर यहाँ पे फिनिश होता है। आपको सब्जेक्ट यानी इंग्लिश और मैथ्स की भी प्रैक्टिस करनी है, जीके ओरल करना है, डांस करना है, कन्वर्जेशन करना है, वो सब भी करना है आपको, लीव नहीं स्किप नहीं करना है उसको भी, डेली उसकी प्रैक्टिस करनी है और घर पे रहना है। यस, स्टे होम सेफ होम।